नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामदयाल मौर्या हमारे चैनल पारस होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है ओर्काइटिस, अंडकोशों के अंदर सूजन या जिसको टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग भी बोल सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं उनकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ओर्काइटिस क्या होता है। दोस्तों, अपने अंडकोश जिसको बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव मेल ऑर्गन्स होते हैं उनमें टेस्टिस का बड़ा ही अहम रोल होता है, यानी कि वो काफ़ी सारे हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करता है, साथ साथ में अपने सीमन को भी ये प्रोड्यूस करता है। अब दोस्तों, किसी भी वजह से बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर उनके अंदर सूजन आना स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ में आपको साइन एंड सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं तो उसको बोला जाता है ओर्काइटिस। दोस्तों, बड़ी ही विडंबना रहती है अपने हिंदुस्तान की कि लोग इससे संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो बड़ी छुपाने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर से सलाह बहुत लेट लेते हैं। यानी ये ऑर्गन इतना इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, अगर आपके हाथ में दर्द है या पेट में दर्द है या पैर में दर्द है, उसको अगर आप डॉक्टर से परामर्श नहीं करेंगे तो आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन ऑर्गन्स में अगर आपके थोड़ी सी भी दिक्कत अगर महसूस होती है तो बेहिचक आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, इसके सबसे बड़ा रीजन होता है कि ये जो ऑर्गन्स होते हैं बहुत ही जल्दी ही उनके अंदर कहना मतलब डिटोरियरेशन या होना, इसके अंदर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ओर्काइटिस जो दिक्कत होती है उसकी जो साइन एंड सिम्टम्स आप कैसे पहचाने कि आपको ओर्काइटिस है कि नहीं है या टेस्टिस में सूजन है कि नहीं है। आपके अंडकोश में किसी भी वजह से अगर सूजन आ रही है या फिर आपके उसके अंदर वहां पर तेज दर्द, दर्द भी ऐसा दर्द जो आपकी जो थाई होती है या जांघों की मसल्स होती है वहाँ पर अगर दर्द रहने लग जाता हो या वो दर्द आपके ऊपर पेट की तरफ जा रहा हो तो भी आपको दोस्तों ओर्काइटिस हो सकता है। उसके साथ साथ के अंदर आपको यूरिन के अंदर जलन या दर्द अगर रह रहा हो, उसके साथ में आपके यूरिथ्रा से अगर डिस्चार्ज देखने को मिल रहा हो तो दोस्तों आपको उसमें भी हो सकता है ओर्काइटिस हो। इसके साथ साथ में जो सिम्टम्स होते हैं, आपके सीमन के अंदर अगर ब्लड देखने को मिल रहा हो या फिर आप जो भी इंटरकोर्स करते हैं उसके दौरान अगर पेनिस में दर्द, आपको तेज दर्द देखने को मिल रहा हो, इसके बाद में अगर आपको हो सकता है दोस्तों ये जो दर्द है उसके साथ साथ में आपको हर चीज के अंदर मूवमेंट के अंदर दर्द या चलने फिरने के अंदर बैठने में भी अगर दर्द महसूस हो रहा तो आपको ओर्काइटिस हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ में आपके अंदर बॉडी के अंदर वीकनेस महसूस करने लग जाते हैं, कुछ केसेस के अंदर फीवर और थकान भी महसूस आपको हो सकती है, कुछ जो केस होते हैं उनके अंदर हेडेक वगैरह रहना, ये जो सिम्टम्स हैं आपको ओर्काइटिस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो मेन जो सिम्टम यही रहता है कि आपके टेस्टिस के अंदर या स्क्रूटम के अंदर आपको दर्द महसूस होते ही आप चिकित्सक के परामर्श जरूर लें। दोस्तों, आपको ये दिक्कत अगर आपको लगने लग जाता है या डॉक्टर से परामर्श नहीं कर सकते हैं या आपको थोड़ा लेट हो जाता है तो उसके लिए आप घर पे भी उसको आसानी से धीरे धीरे मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट में यही रहता है दोस्तों कि आप इसके अंदर आप बर्फ का सेक कर सकते हैं, लेकिन सेक ज़्यादा नहीं करें, 10 से 15 मिनट से ज़्यादा सेक नहीं करें। बर्फ को कपड़े में अच्छी तरीके से लपेट के हल्का हल्का उस पार्ट पे सेक कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है कि आप उस पार्ट को या टेस्टिस को सपोर्ट दें, यानी कि सपोर्ट जैसे स्पोर्ट्समैन यूज करते हैं, सपोर्टर यूज करते हैं, उनके थ्रू आप टेस्टिस को सपोर्ट दें, उससे भी आपकी ये चीज है जल्दी ही कवर होती है। या फिर कुछ ऐसे बेल्ट भी आते हैं जो आपके टेस्टिस के लिए होते हैं, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कैसे न कैसे उन चीज को सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी होता है। अब दोस्तों, इसके जो मेन कारण रहते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के थ्रू भी आपके वहाँ पहुँच सकते हैं, या फिर आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है या आपकी प्रोस्टेट में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही होती है उसकी वजह से आपको हो सकता है, या बच्चों के अंदर जो मम्स की दिक्कत होती है, यहाँ पर मम्स आपके खुल जाते हैं, उनके अंदर भी दोस्तों टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है या ओर्काइटिस डेवलप हो सकता है। दोस्तों, इन केसेस के लिए होम्योपैथी एक वरदान की तरह काम करती है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और इसको आसानी से ठीक कर सकती है। दोस्तों, इसकी कॉम्प्लिकेशन से चर्चा करना चाहूँगी, इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर केसेस होते हैं नॉर्मली ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस अगर कॉम्प्लिकेशन की जाते हैं तो आपकी जो फर्टिलिटी रेट होती है वो उसके अंदर आपको दिक्कत करने लग जाते हैं, या कुछ जो सीवियर केस होते हैं उनके अंदर स्टेरिलिटी डेवलप हो सकती है या सेक्सुअल वीकनेस, ये सी जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन नेचुरल तरीके से बहुत बेहतर तरीके से वर्क करती है, उसमें टॉप रीडिंग मेडिसिन में आती है दोस्तों क्लेमाइटिस इरेक्टा। क्लेमाइटिस इरेक्टा का रोल उन केसेज में होता है जहाँ पर तेज दर्द,
खिंचाव जैसा दर्द, उसके साथ में शूटिंग पेन बिल्कुल चपके मारने वाला दर्द अगर आपको टेस्टिस में देखने को मिल रहा है, वो दर्द आपके थाइज के अंदर अगर जा रहा है, तो दोस्तों क्लेमेटिस एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके बाद जो सेकंड मेडिसिन आती है वो दोस्तों वो है रोडोडेंड्रोन। रोडोडेंड्रोन उन केसेस में काम करती है जहां पर तेज दर्द के साथ में स्वेलिंग, दर्द ये महसूस होता है, वो दर्द आपका पेट की तरफ साथ साथ में थाइज के साथ में जा रहा हो, तो उन केसेस के अंदर साथ साथ के अंदर दोस्तों जो रोडोडेंड्रोन का दर्द होता है वो चलने से उसको आराम रहता है, यानी उस चलने से बैठने से उसको दिक्कत होती है, तो उन केसेस के लिए रोडोडेंड्रोन बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके लिए मेडिसिन जो आती है पल्सेटिला, पल्सेटिला इसमें उल्टा होता है, वो जो क्या होता है कि उसको बैठे रहने से ठीक रहता है, चलते ही दर्द अगर महसूस होता हो, तेज दर्द अगर महसूस लग रहा हो, उन केसेस में काम करती है दोस्तों पल्सेटिला। इसके बाद दोस्तों मेडिसिन आती है कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम उन केसेस में काम करती है दोस्तों जहां पर आपका इजेकुलेशन बहुत जल्दी होता है, पेनफुल इजेकुलेशन देखने को मिलता है, और जो दर्द होता है टेस्टिस का वो आपके पेनिस की रूट तक जाता हो, उन केसेस के अंदर बहुत ही बेहतर रोल प्ले करती है कोनियम मैकुलेटम। दोस्तों ये जो टॉप रेटिंग मेडिसिन, इनके साथ बहुत सारी काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी जाती है, तो इसलिए ज़रूरी है आप होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके ये दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जियो जिंदगी करम होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।